पार्ट टू व्लॉग डे 7 कानपुर का स्विट्जरलैंड। ये सब करने के बाद हम चलते हैं कानपुर के स्विट्जरलैंड की तरफ, जिसको कानपुर में जाजमाओं का टीला बोलते हैं। गर्मी में थोड़ा अच्छा दिखता है, बट सर्दी में ये कुछ ऐसा है, हरा नहीं है बस थोड़ा सा। अभी हम लोग कानपुर के स्विट्जरलैंड में आ चुके हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कानपुर का टीला। बहुत ही अच्छा नजारा है। शाम के कितने बज रहे हैं? शाम के 4:30 बज रहे हैं। इस तरह का कुछ मौसम है यहाँ पे। आइए हम लोग इस तरफ से वहां चलते हैं। तो भाई लोग, अभी हम लोग आ चुके हैं गंगा बैराज से। बांघा की व्लॉगिंग करते हैं, इनका नाम है अब्दुल्ला। व्लॉगिंग करते हुए ये आए हैं जाजमो के टीले पे। बोले तो सस्ता सिंगापुर नहीं, पुर पुर स्विट्जरलैंड, सस्ता स्विट्जरलैंड। हमने थोड़ी भी खाई भाई, अपनी ही बनाया करता है। एक साल से चला आ रहा है। हाँ ये गाइस, फालतू की बकलोली हो रही है इधर। अब तो भाई जैसा कि आपने देखा कितना अच्छा व्यू था आज का। अब हमारे मित्र थक चुके हैं, हमारे अनीस भाई ने जैकेट पहन लिए। चलिए वड़ा पाव खाते हैं। यार खाना खाने का मजा सिर्फ दोस्तों के साथ। अभी कह रहे हैं, अकेले नहीं खा सकते। अच्छा भाई बनाया भाई, इसने क्या किया पता? माइक नहीं करे भाई। देखो हम बनाए ना, बहुत बढ़िया था भाई। वाली फोटो थी माइक वाली, उधर से आर मालूम की तरफ से वो। अब हमने ध्यान नहीं दिया माइक, अब मॉल के अंदर जब गए थे तो तभी हमने माइक फिक्स कर दिया था, बट हमने ये ध्यान नहीं दिया कि वो ऑन करना है। बाद में फिर चला मॉल वाली फुटेज की यूज किया। ये नए ब्लॉगरों की निशानी है कि इनके लिए आप पैसे डोनेट करिए ताकि हेडफोन ले सकें, बड़े गरीब आदमी। तो भाई यहीं पे ब्लॉग ख़त्म होता है और हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाकी सब देख पा रहे हैं ये जो बॉक्सेस हैं, ये मेरे लाइट सेटअप के लिए, जैसे कि आप पीछे शेडो देख रहे हैं, ये थोड़ी दिक्कत कर रही है मुझे, खुद अल्टर लग रहा है तो उसके लिए सब। बाकी और इक्विपमेंट आने वाले हैं तो मैं उन सारे चीज़ों को एक साथ रख कर अनबॉक्सिंग करूँगा, उसकी भी वीडियो अपलोड करूँगा। ठीक है, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय। ऑन किया रे, अबे गलती कर दी, माइक नहीं लगाया। अबे अरे मामा।